परासिया में भागवत पुराण कथा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने भागवत कथा का आनंद उठाया। ग्राम चरे में चल रहे शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ में गुजरात से आए कथावाचक अश्वनी त्रिवेदी ने लोगों को भागवत कथा सुनाई। इस दौरान विधायक सुनील उइके और कौमी एकता के अध्यक्ष जमील खान ने कथावाचक अश्वनी त्रिवेदी का शॉल श्रीफल से स्वागत किया। इस कथा में सभी धर्म के लोग शामिल हुए। कथा प्रवचन के दौरान यहां मौजूद भक्त झूमते नजर आए। इस मौके पर कथावाचक अश्वनी त्रिवेदी ने सभी से मिलजुल कर और प्रसन्न रहने की बात कही। उन्होंने भक्तों को बताया कि ईश्वर एक है। राजकोट से पंडित जी यहाँ पर पधारे, शास्त्री जी जिनके इस कार्यक्रम में सभी लोगों को एक प्रेरणा मिली है, सभी धर्म और समाज के लोगों को उन्हें प्रेरणा देकर यहाँ से उठा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रवचन उनका हुआ और चरई के साथ साथ रिछेड़ा, डोरली, मड़ुआ, दरबई, आसपास के भी क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पर आए, वचन किया। मैं क्षेत्रीय विधायक होने के नाते लगी हुई पंचायत के हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो पंडित जी ने यहाँ पर विगत 9 दिनों से हमें प्रवचन दिया और विगत 9 दिनों से जो ज्ञान यज्ञ यहाँ पर चल रहा था, हम सब लोग उस ज्ञान यज्ञ का अनुसरण करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, तभी ये जो कथा हुई है उसका कोई महत्व होगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।